ओके सो दिस इज़ अ हैबिट, बहुत पुरानी बात है वैसे तो, लेकिन आपने बचपन से देखा होगा एक आदत होती है डर बिठाने की, है ना। सो जाओ नहीं तो चौकीदार आ जाएगा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाहर जबरदस्ती यहाँ वहाँ मत घूमो, डोंट पेट, मतलब कुछ भी करके देर इज़ अ ऑलवेज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग फियर, ठीक है। तो वो ना हमारा इन जनरल बहुत एस्पेक्ट्स में चलता है, या तो ये फैक्टर या इमोशनल ब्लैकमेल करना कि अच्छा तुम ऐसा करोगे तो मेरे साथ क्या होगा, हमारा कभी सोचा नहीं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। यही चीज़ अब ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो गई है। सो ऑनलाइन टीचिंग में ये दो पैरामीटर्स पे बहुत बच्चों को खींचा जाता है कि अगर हमसे नहीं पढ़ोगे तो नीट क्लियर नहीं होगा, या मेरे से नहीं पढ़ा तो देखो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या तो ये वाला फैक्टर या इमोशनली कि मैं ही हूँ जो सही भला चाहता हूँ, या समथिंग, यू गेटिंग माई पॉइंट राइट। सो इमोशनल फैक्टर कि हमने तो इतना कर दिया तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको अगर बचपन में कोई लॉजिकली चीज़ों को समझाता तो आपको उस तरीके से समझने की आदत होती है ना। कहीं ना कहीं यू ऑलवेज फाइंड क्यों नहीं करना, है ना, क्यों यहाँ से ही पढ़ूँ, क्यों ऐसे ही पढ़ूँ। नीट के पेपर में अगर 200 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन नहीं किए तो नीट नहीं क्लियर हो सकता तुम्हारा, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट क्लियरिंग नीट एंड एनीथिंग। अगर बात करी जाए इन जनरल नीट एग्जामिनेशन की ही, तो उस पर इतना तवज्जो दिया जाता है कि अगर नीट नहीं करोगे क्लियर तो कुछ भी नहीं और हो सकता तुम्हारा, है ना। सो यू गेटिंग माई पॉइंट, इट्स ऑलवेज फियर और इमोशनल ब्लैकमेल विच क्रिएट्स फियर अगेन। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो सर्कल है, ये बहुत कंटिन्यूसली चल रहा है, इसको ब्रेक करो, ठीक है। लुक फॉर थिंग्स दैट आर लॉजिकल, लुक फॉर पीपल हु आर टॉकिंग लॉजिकल थिंग्स। किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन कोई दे रहा है तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फर्जी गाड़ा यूँ नहीं चल रहा है कि देखो देशभक्ति या ये वो अनशन किसी एक्स वाई जी रीजन से, ठीक है। सो अगेन लुक फॉर लॉजिकल थिंग्स, कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व कितने करने हैं, क्यों करने हैं, उसका लॉजिकल रीज़न दे रहा हो, ऐसे टीचर्स चूज़ करो। अगेन फ़ायदा ही होगा अगर लॉजिक से टीचर ढूंढते हो, इमोशन से ढूंढते हो, डेफिनेटली देर इज़ ऑलवेज एन इमोशनल कनेक्ट विद अ पर्सन, वो फ़ायदा ही कर सकता है। लेकिन डिफरेंस ये देख लेना कि सिर्फ ओनली एंड ओनली वो इमोशनल फैक्टर ना हो, है ना, उधर लॉजिक भी हो, इमोशन के लिए कोई मना नहीं कर रहा, गलत नहीं है, लेकिन व्हेन यू चूजिंग समबडी टू टीच यू द होल थिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और अपना करियर आप उनके हाथ में दे रहे हो, तो सिर्फ इमोशन से बात नहीं चलेगी। यस देर इज़ ऑलवेज अ कनेक्ट, यस इट्स अ गुड थिंग दैट देर इज़ अ कनेक्ट, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगेन द फाइनल डिसीजन शुड बी कि यहाँ पे क्या मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर मुझे दिया जा रहा है, रीजनेबल आंसर दिया जा रहा है, रीजनिंग प्रॉपर है, या बस यूं ही कि देखो भाई आज तक मेरे बच्चों ने मेरे को ये किया, मेरे को वापस आके गिफ्ट दे के जाते हैं, ये कर, वो बच्चा जो भी कोई ना कोई इमोशनली अटैच होगा वो करता है, हर टीचर के लिए करता है, टीचर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही है, सो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, डर और इमोशनल ब्लैकमेल के पीछे मत फंसना, विच इज़ अ हैबिट ऑफ अर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, ये इनग्रेन्ड है हमारे अंदर, क्योंकि बचपन से ही उस तरीके से हमको बड़ा किया जाता है, ठीक है। लॉजिक ढूंढना शुरू करो, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग गुड पीपल, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग गुड टीचर्स, यू विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग यूट्यूब का फ्री कॉन्टेंट अच्छे तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, और आगे जाके कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस बात को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।